भारत अपनी पोजीशन मजबूत करता जा रहा है, चीन की हालत खराब होती जा रही है। रूस में बातचीत के बाद चीन ने फिर से धमकी दी है, क्या भारत अपनी बात पर कायम रहेगा? ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है। जॉइंट स्टेटमेंट सिर्फ कागज बना रह जाए, ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है। चीन की सरकारी मीडिया का यह भड़काऊ बयान है। मैं सीधे चलूंगा मनीष झा के पास और इस ब्रेकिंग के साथ जो वॉल है वो सीधे ऑन एयर प्ले कर दें। ब्रेकिंग के साथ सीधे मनीष, ओवर टू यू। ग्लोबल टाइम्स फिर से धमकी दे रहा है। देखिए निशांत, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जैसा कि हम और आप दोनों जानते हैं कि ग्लोबल टाइम्स और उनके एडिटर जो पहले पीएलए के ऑफिसर थे, आजकल डेपुटेशन पर पत्रकारिता कर रहे हैं, उन वो क्या सोचते होंगे और क्या कह रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन कल मास्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बातचीत के बाद भारत को यह तय करना था कि अब आगे क्या होगा, और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एनएसए अजीत डोवाल, सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेनाओं के चीफ ने 2 घंटे तक महाबैठक की, और उस बैठक में यह तय हुआ कि ठीक है, डिप्लोमेसी को अपना रोल निभाने दीजिए, लेकिन सीमा पर हम 1 मिनट के लिए, छोड़िए 1 सेकंड के लिए भी पीएलए का भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष, आपको मैं रोक रहा हूं। और ये क्यों भरोसा नहीं कर सकते हैं, मैं जनरल चतुर्वेदी के पास जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम चीन पे क्यों नहीं भरोसा कर सकते हैं? ये देखें, चीन की युद्ध की तैयारियों का एक और वीडियो सामने आया है। चीन ने किया ड्रोन से फूड पैकेट भेजने का ड्रिल, ड्रोन से फूड की डिलीवरी का वीडियो सामने आया। अगर आपको याद होगा कि जो आप आजकल कप नूडल्स खाते हैं, ये वर्ल्ड वॉर में जापान का इन्वेंशन था, ड्रोन से भेजा जा रहा है। ये ड्रोन से खाना भेज रहे हैं चीनी। खैर, इनके लिए भूख जरूरी है, हमारे फौजी भूख को बर्दाश्त करते हैं, जो वहां पर होता है वही खा लेते हैं, ये जानकारी मुझे सुमित ने दी थी। खैर, ये इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सीधे मैं चलूंगा यहां पर, यह हमारे सामने एक इनपुट आया है, मैं जनरल चतुर्वेदी के पास चलूंगा। सर, चीनी एक तरफ तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत कर रहे हैं, डबल थिंक डबल टॉक, और ऐसे में अभी आपको क्या लगता है, हम वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, लिमिटेड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं या फुल स्केल वॉर की तरफ? देखिए, वॉर तो लिमिटेड ही रही, क्योंकि एक इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को सोचना चाहिए कि चीन हमको बार बार धमकी देता है कि आपका 2 फ्रंट वॉर हो जाएगा, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ हम होंगे, लेकिन वो भूल जाता है कि 2 फ्रंट उसके लिए है। साउथ चाइना सी में ऊपर से ईस्ट चाइना सी से जापान, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये पूरा का पूरा उसके खिलाफ है, फिलीपींस, तो एक तो उसका वो फ्रंट है और एक हमारी तरफ से, तो इसलिए वो फुल स्केल वॉर के लिए तो जाने की हिम्मत कर भी नहीं सकता। नंबर टू, जो ये इस वक्त जो आपने ये सदर्न रिज, कैलाश रिज कैप्चर की है, जिससे उसका मोल्डो कैंट, आपके जो टैंक आपने रिंचिल्ला पर चढ़ाए हैं, तो वहां से उनकी जद में है। दूसरा, यहाँ से इसी से 26 किलोमीटर पीछे जो है, जो उसका बॉर्डर है, आईबी है, तो जो 1947 की बाउंड्री थी, आज आपकी रस्ते में आ गया, आप वहां तक पहुंच सकते हो। आप जो बता रहे हैं, अजय सर, आप जो बता रहे हैं, मैं आपकी बात में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करूंगा।